6 नवंबर को क्रिकेट के मैदान पर कुछ वैसा हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 146 सालों के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। एक ऐतिहासिक विवाद हुआ, एक विचित्र रिकॉर्ड बना, और दिलचस्प ये कि ये विचित्र रिकॉर्ड बनाने वाला खिलाड़ी नाराज था। नाराज क्या, यूं कह लीजिए कि गुस्से में था। क्या है ये पूरी कहानी और पूरी घटना, आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। 6 नवंबर को विश्व कप क्रिकेट में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मुकाबला हुआ और उस मुकाबले के दौरान एक ऐसी घटना घटी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई पहले उदाहरण के रूप में। कहानी पूरी आपको बताता हूं। श्रीलंकाई पारी का 25वां ओवर था, श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी और इसी दौरान 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर सदीरा समर विक्रमा आउट होते हैं। गेंदबाज थे बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन। सदीरा समर विक्रमा के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज के रूप में अनुभवी मैथ्यूज को क्रीज पर आना था, वो आते भी हैं, लेकिन इसी दौरान एक विवादास्पद घटना घटित हो जाती है। होता क्या है कि वो जब आते हैं तो उनका हेलमेट जो है वो सही नहीं था। वो गेंद का सामना करते उससे पहले उन्होंने अपने हेलमेट के स्ट्रैप को पकड़कर यूं खींचा और हुआ क्या कि वो स्ट्रैप टूट गया। उसके बाद वो पवेलियन की तरफ इशारा करते हैं, अपने डगआउट की तरफ इशारा करते हैं कि उनके लिए दूसरा हेलमेट लेकर आया जाए। इसी बीच कप्तान शाकिब अल हसन बांग्लादेश अंपायर से अपील कर देते हैं। किस चीज का अपील? टाइम आउट की अपील, कि वो बल्लेबाज को टाइम आउट करना चाहते हैं क्योंकि जो क्रिकेट का नियम है उससे अधिक समय जो है मैथ्यूज ने पहली गेंद खेलने से पहले वो समय ले लिया है। अंपायर को शुरू में लगता है कि ये मजाक है, लेकिन फिर जो शाकिब अल हसन है इंसिस्ट करते हैं और ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत सीरियस हूं और मैंने अपील की है। इसके बाद दोनों अंपायर आपस में बातचीत करते हैं और मैथ्यूज को जो है वो टाइम आउट घोषित कर दिया जाता है और उन्हें वापस पवेलियन लौटने को कहा जाता है। मैथ्यूज पहले शाकिब अल हसन के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जो देख कर लगा कि शाकिब उनसे कह रहे हो कि आप मुझसे क्यों बातें कर रहे हैं, आप अंपायर से बात करो। फिर वो अंपायर के पास जाते हैं, अंपायर के पास अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंपायर तो नियम से बंधे होते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, आपने अधिक वक्त लिया है तो आपको आउट होकर पवेलियन तो जाना होगा, आप टाइम आउट हो गए हैं। इसके बाद मैथ्यूज जो है वो मैदान से बाहर निकलते हैं, गुस्से में थे, बाहर निकलते ही वो हेलमेट जो है एक तरफ फेंक देते हैं और फिर अपनी टीम के जो सपोर्टिंग स्टाफ और साथी हैं उनसे वो बताते हैं कि वो स्ट्रैप उनका टूट गया था, लेकिन नियम के अनुसार वो आउट थे, इसलिए इसमें अंपायरों की गलती तो बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से जो मैथ्यूज हैं वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जो टाइम आउट हुए हैं। टाइम आउट, इसका नियम क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि जो एमसीसी के नियम है 40.1.1 उसके अनुसार ये रूल है कि अगर कोई बल्लेबाज जो है आउट होकर वापस पवेलियन जाता है या कोई बल्लेबाज रिटायर्ड होकर जब वो बाहर जाता है तो अगले बैटर को 3 मिनट के अंदर पहली गेंद खेलने के लिए तैयार होना चाहिए और अगर ऐसा कर पाने में वो सफल नहीं होता है तो जो फील्डिंग टीम है उनके खिलाफ टाइम आउट की अपील कर सकती है और वो टाइम आउट हो सकते हैं। वैसे ये जो विश्व कप है 2023 का, उसमें इस नियम में और सुधार किया गया है और इसमें जो टाइम है वो 2 मिनट का रखा गया है। मतलब एक बल्लेबाज जब आउट होता है तो आने वाले बल्लेबाज को 2 मिनट के अंदर जो है वो अगली गेंद खेलने के लिए
तैयार होना चाहिए, लेकिन मैथ्यूज इस नियम शर्त के अनुसार उस पर खरे नहीं उतरे और इसलिए जो है उन्हें टाइम आउट दे दिया गया और एक ये रिकॉर्ड बन गया कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहले ऐसे बैटर बने जो कि टाइम आउट करार दिए गए। तो ये घटना घटी। आपको बता दूं कि वैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टाइम आउट हुए हैं बैटर्स इससे पहले, कुल 6 मौके ऐसे हैं और उसमें से एक जो है वो भारत से जुड़ा हुआ है। हेमूलाल यादव त्रिपुरा के लिए खेलते थे और उड़ीसा के साथ मैच था कटक में साल 1997 और उस वक्त हेमूलाल यादव जो है वो टाइम आउट हुए थे। दरअसल वो त्रिपुरा के 11 नंबर के खिलाड़ी थे और जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए तो बगैर पैड पहने ही वो आ गए थे। अब ऐसा क्यों था ये नहीं पता, तो वो अगली गेंद खेलने के लिए तैयार नहीं थे और फिर उन्हें टाइम आउट करार दिया गया था। तो ये एक दिलचस्प घटना है, विवादास्पद भी है। अब इस घटना के बाद लोग शाकिब अल हसन पर बहुत सारे लोग जो है वो तंज कस रहे हैं कि खेल भावना का जो है उन्होंने पालन नहीं किया, उसे इग्नोर किया। वहीं कुछ लोग इसे क्रिकेट की नियमों का हवाला देते हुए सही मानते हैं। आप भी अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। फिलहाल मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।